जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। नंदी घोष के द्वारा आयोजित इस गुरु ब्रह्म सम्मान समारोह में मंच को सुशोभित कर रहे हैं परम स्नेही मित्र उत्कल प्रदेश में मंत्री समीर रंजन दास जी, ऑनरेबल संजीव राउत जी, नंदी घोष के आदरणीय मिश्रा जी, पवार साहेब, द अवार्डीज हु हैव ग्रेस दिस पार्टिकुलर ओकेजन दिस टीचर्स डे एंड परहैप्स द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दी परहैप्स एनसीसी कैडेट्स आर स्काउट्स आर व्हाटएवर दे आर माय फेलिसिटेशन जुबिलेशंस ऑन दिस टीचर्स डे। सभी को इनाम मिला है, वो बच्चा रह गया जो ताली बजाता है, उनको हम देंगे। अभी हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा आपको। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 1962 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पढ़े। तब देश के माननीय प्रधानमंत्री उस समय जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको खुली जीप में, खुली गाड़ी में हम सब लोगों ने बहुत करीब से दर्शन किए। कोई जैमर वैमर नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं था। राष्ट्रपति जी जब आए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का उद्घाटन करने, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से बहुत पहले नीचे उतर गए और हम लोग उनके साथ चले। कल्पना से बाहर लगता होगा, वो बोले इंग्लिश में और संस्कृत में। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का उद्घाटन था, हम उस समय में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। अब बच्चों से हमारा प्रश्न है, क्या आज ऐसा क्या हो गया कि हमको भी जैमर लेके चलना पड़ता है, आपसे मिलने के लिए दूर रहना पड़ता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ शीशे। आज का दिन अच्छा है, मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भी लाइफ अचीवमेंट टर्म अवार्ड मिला है, बहुत बधाई के पात्र। एवरीबॉडी इज ए टीचर, ओशो कहता है। दत्तात्रेय ने तो भागवत में लिखा है 24 टीचर्स के बारे में जिक्र किया है, यहां तक के बच्चे की बैंगल्स भी, चूड़ियां भी टीचर हैं। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, अजगर, ऐसे 24 टीचर्स का मेंशन किया है। मैं उसकी चर्चा करने वाला नहीं, लेकिन आपके सामने मेरा एक प्रश्न है कि आज ऐसा क्या हो गया। ये 51 बच्चा होगा तो 51,000 देंगे, ज़्यादा होंगे, जितने बच्चे हैं उतना 1,000 जोड़ लीजिए, और आप सब मिलकर सोचिए कि आज ऐसा क्या हो गया भाई। टीचर फेल हो गया, क्या हो गया, क्या जवाब है आपके पास? कि इस समय हम जैसों को कितनी सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ता है। अभी आप हमसे मिलना चाहेंगे ना, तो हमारे जो PSOs हैं, ये जो हमारे मित्र हैं जो हमारा रिकॉर्डिंग करते हैं, परे हट जाओ, परे हट जाओ, ऐसा लगता जैसे हम अछूत हो गए या प्रिजनर्स हो गए, डूज एंड डू नॉट्स के प्रिजनर्स हो गए, कन्फर्मिटी इमिटेशन एंड कंपैरिजन के प्रिजनर्स हो गए। ऐसा लगता है कि एम्बिशन के प्रिजनर्स हो गए, सक्सेस के प्रिजनर्स हो गए। अभी किसी को दिल नहीं करता है कि पक्षियों का चहचहाना सुन लें, पानी में बहते हुए गुलाब को देख लें, सूर्य निकलता है तो उसकी उष्णता और शीतलता का मिक्सचर देख लें। अभी सब खत्म हो गया है, तो कोई भी बच्चा आप में से इसका उठकर जवाब दे सकता है। और जैसे 51,000 का यहाँ प्राइज रखा है आपने, ऐसे 51,000 का प्राइज आपको मिलेगा अगर आप हमको अभी तालियां बजाई ना, तीन तीन चार चार बार,
ये स्काउट्स के लोग बजाते हैं। खैर अच्छा है आप आए हैं, अच्छा लगा है, लेकिन आप में से सारे सोचकर अगर बता सकें कि क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया है, और यही नहीं पूरे विश्व में हो गया है, कोई कारण बता सकता है यूक्रेन का और रशिया के युद्ध का? बता सकता है चाइना क्यों नखरे करता है माशूक की तरह या प्रेमिका की तरह? माशूक मैं इसलिए कहता हूं कि उसको बाहुबली में जाके मक्खन खिलाया था, झूले पे झूलाया था देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, इसलिए माशूक कहता हूं, प्रेमिका कहता हूं। प्रेमिका के नखरे तो होते हैं, थोड़े बहुत संभालना पड़ता है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं थोड़ा। तो बता सकता है कोई आप में से खड़ा होके ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? नहीं। द एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड कंप्लीटली, इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना पड़ा है। इन यूरोप एंड अमेरिका दे हैव रियलाइज टुडे दैट दिस इज ऑल द आउटकम ऑफ द फॉल्स एजुकेशन। ऑनरेबल संजीव राउत वॉज मैंशनिंग अ कंट्री फिनलैंड, what type of education is imparted there? I have never been a student, perhaps I don't know the values they have injected in the students. कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने बच्चों में इंजेक्ट की हैं? And he says that we should study such things, of course, no doubt. पर क्या भारत में ऐसे ही था क्या? जैसे मैंने कहा 62-63 का कोई ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, जस्ट 50 years, लेकिन ऐसा सब बदल गया है, कारण क्या हो गया है? कारण हो गया है कि पहले मनुष्य मानव था, ह्यूमन बीइंग था, अब मनुष्य इंडिविजुअल हो गया है। ह्यूमन बीइंग डिस्कवर्स द इनवर्ड ब्यूटी which is complete abandonment along with austerity, पूरी तरह से merging with the society, forgetting oneself altogether, और उसका एहसान नहीं austerity के साथ। अब individual क्या है? He is confined to a country, a culture, always frustrated। किसी से भी बात करो, चल रहा है, जी रहे हैं जैसे कि मर नहीं रहा हो। किसी से भी बात करिए, ही हैज बिकम सिंपली एन एंटिटी सी वेटिंग परहैप्स फॉर हिज फ्यूनरल सी दैट इज टू कम। ही डजंट अंडरस्टैंड द लिविंग एंड लविंग एंड डाइंग आर द सेम थिंग। जीना और मरना और मोहब्बत करना एक ही बात है, वो कहां समझ पा रहा है? ही इज अफ्रेड ऑफ द नोन एज वेल एज द अननोन। वो डर रहा है, जिस चीज को जानता है उससे भी डरता है। मुझे क्षमा करना अगर मैं कहूं कि पति पत्नी से डरता और पत्नी पति से डरता, मैं ऐसा नहीं बोलने वाला, लेकिन बोल गया हूं। नोन से भी डरता है, बच्चे से डरता है, पिता सराउंडिंग से डरता है, एटमोसफियर से डरता है। अननोन की तो बात ही छोड़ो, लंबा लंबा मत्था टिकेंगे हम दुनिया भर का। वी डोंट लव गॉड, इसे प्रेम नहीं करते हैं, डरते हैं। गॉड लविंग नहीं है, गॉड फियरिंग है। इसलिए ये जो ह्यूमन बीइंग है ये इंडिविजुअल बन गया, एजुकेटर को, टीचर को, इस इंडिविजुअल को ह्यूमन बीइंग बनाना है। दैट इज द पर्पस ऑफ द एजुकेशन। उसको ह्यूमन बीइंग बनाना है। इसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, इंद्रियाणि प्राणी आहु इंद्रिय भय परम मनः
मनसुता परा बुद्धयो बुद्धे परा तस्तुसा। देर इज वास्ट एंड इमेजरेबल बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट। आपका सेंसेस शरीर से ज्यादा पावरफुल है, माइंड सेंसेस से ज्यादा पावरफुल है, इंटेलेक्ट माइंड से ज्यादा पावरफुल है, और इंटेलेक्ट से जो पावरफुल है वो आप हैं। इंटेलेक्ट इज द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। इट ऑर्डर्स एंड डिस्पोजेस ऑफ द नॉलेज अक्वायर्ड फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द मशीन। जितना दुनिया भर का सब घपचड़ा पड़ा वो इंटेलेक्ट जवाब देता है। बट इंट्यूशन, दैट इज वट राधा कृष्ण सेज, दैट इज वट एवरी फिलोसफर सेज, इट इज द विजन ऑफ ट्रुथ मेक्स यू ए प्रॉफिट। यू सी इंट्यूशन, इट इज द विजडम एट इट्स प्योरेस्ट। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज वननेस विद द सुप्रीम रियलिटी। नो ड्यूअलिटी, कोई द्वंद्ववाद नहीं है। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम वन, जैसे लहर और समुद्र एक हो जाता है, जैसे सूर्य की किरण और सूर्य एक हो जाता है। वेल, दैट इज इंट्यूशन, दैट इज अंतःकरण। एंड इफ दिस सॉर्ट ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूज एंड द इंडिविजुअल इज इंपार्टेड दिस एजुकेशन, वी शैल हैव अगेन टू फेस ऑल दीज डायलेमास एंड ऑल दीज वॉर्स एंड ऑल दीज स्ट्राइव्स विच अवर पास्ट जनरेशन हैज क्रिएटेड। दुनिया में जितना पीछे 3000 सालों में 5000 युद्ध हुए हैं, फिर से लगातार चलता रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ओशो कहते थे शिक्षा के बारे में, बड़े बड़े शब्द हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन, संभोग से समाधि। अखंडानंद बोलते थे ईगो सेंटरिज्म टू जियो सेंटरिज्म, आत्म केंद्रित से वसुंधरा केंद्रित की तरफ बढ़िए। कंज्यूमरिज्म से कंटेंटमेंट की तरफ बढ़िए, उपभोक्तावाद से संतोष की तरफ बढ़िए। हम दीवारों पर लिखा हुआ देखते हैं, विद्या ददाति विनयम, सा विद्या या विमुक्तये, तमसोर्मा ज्योतिर्गमः, असतोमा सतो गमः, मृत्युर्मा अमृत गमः। इसे खूब पढ़ते हैं। अब बच्चे को ना तो मृत्यु का पता है, ना बच्चे को सत्य का पता है, ना असत्य का पता है, ना लाइट का पता है, ना तमस का पता है, ना विनम्रता का पता है, कौन बताएगा? यू विल एक्सक्यूज मी, द हार्ट ऑफ द टीचर इज फुल ऑफ विद द स्कीम्स ऑफ द माइंड। यू सी, टीचर का दिल भी माइंड की स्कीम से भर गया है। Well, heart is the foundation of love, you see. Human being talks of love, feels about love, nourishes love, treasures love. It is the perfume of life. वो तो गायब हो रहा है, वो तो दिखता नहीं है। इसलिए as far as education is concerned, जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं, it is no different from the purpose of human life. And the teachers and the educators, it is not a profession at all. It is a dedication. It is a vocation. It is love. It is a monk. It is a hermit. He is just like that of a midwife, like that of the Socrates. Sukrat ki tarah midwife hai. Guhyatam gyan ko jo rubru kara de, wahi to guru hua. Guhyatam gyan ko jo rubru kara de. Karaya ise bar bar. Janak ne अष्टावक्र से सीखा, अष्टवक्र गीता बन गया। याज्ञवल्क्य से सीखा, व्हाट इज द लाइफ, सेल्फ इज द लाइफ। आनंद ने सीखा अपदीपो भव। योग वशिष्ठ बन गया, वशिष्ठ ने राम को पढ़ाया। सुखदेव ने परीक्षित को पढ़ाया, भागवत बन गया। ऐसे सब लोगों के टीचर्स और डिसाइपल्स रहे हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर देखें तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, गीता को बताया क्या होती है शिक्षा। उन्होंने कहा सर्व गुह्यतम ज्ञानम भूय श्रृणु मे परमम वचः। नाउ आई एम टेलिंग द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज।
महर्षि अरविंद कहते हैं देयर शुड बी इंटीग्रल एजुकेशन. व्हाट इज इंटीग्रल एजुकेशन? इंटीग्रल एजुकेशन इज द यूनिफिकेशन ऑफ द होल बीइंग इन व्हाट यू से, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू एक्ट. आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आपका एक एक सेल उसके लिए लग जाए, वो इंटीग्रल एजुकेशन है. इसे महर्षि अरविंद कहते. लेकिन ये जितनी सब बातें हैं बच्चों को कंफ्यूज कर देता है. इसलिए बच्चों को हम एक बात कहना चाहते हैं, नेवर गिव अवे बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर. हवाई किले बनाना बंद मत करना. नेवर गिव अप द लग्जरी ऑफ डे ड्रीमिंग, दिन में स्वप्न देखना बंद मत करना. नेवर गिव अवे गिव अप द डिलाइट ऑफ होप इवन फॉर द प्राइस ऑफ ए किंगडम. अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें उड़ीसा का राज्य दे देंगे, लेकिन अपनी आशा छोड़ दो, मत छोड़ना. Because if a teacher wishes, you see, he can bring about the release of abundance of energy in you, which is nothing else but seeking pursuit of goodness, God and truth. Let me tell you very frankly, I am not speaking. These are not my words, you see. These are just the words of Sadhguru, Maharshi Aurobindo, J. Krishnamurti, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत कुछ लिखा है. तो उन्होंने साफ साफ कहा है और बच्चों के लिए कहा है, और इसलिए हम बच्चों के लिए बोलते हैं स्कूल में जाके और रिक्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स से करते हैं, टीचर से करते हैं, कि द स्पार्कल इन द आईज ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट वैनिश. बच्चे की आंख की चमक को मत खत्म होने दीजिए, वो चक्का नयन है, भूल मत जाइए. लेकिन हम तो भेजते हैं ऐसे स्कूलों में फॉर बिकमिंग ए डॉक्टर, इंजीनियर, सो एंड सो फोर्थ. अवर टोटल लाइफ इज कंसंट्रेटेड ऑन डूज एंड डू नॉट्स. ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो. ऐसे बच्चों को पागल बना दिया है. सो एज फार एज दिस टूडेज फंक्शन इज कंसर्न, my humblest possible salutations to the lotus feet of the teachers who have been awarded, you see, by Samir Ranjan Das ji and Sanjeev Raut ji over here. I am also thankful to Nandi Ghosh. Nandi Ghosh Bhagwan Krishna ka rath hai, uske upar Hanuman bhi rehta hai. Isliye swabhavik roop se Nandi Ghosh is prakar ka karyakram kare to achha lagta hai, bahut achha lagta hai, kyunki गीता को बता रहा है, गीता की बात को समझा रहा है. ये इंटेलेक्ट, देयर इज ए वास्ट एंड इमेजरेबल थिंग्स यू सी बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट. माइंड और इंटेलेक्ट से आगे बहुत दुनिया पड़ा है. एंड दैट एजुकेशन, द एक्सपीरियंस ऑफ दैट एजुकेशन, द एक्सपीरियंस ऑफ दैट एजुकेशन इफ नॉट इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स, you will always face the chaos and anarchy in the whole of the world. Nobody can save you from that, you see. Therefore, people are afraid of speaking like that, that the whole natural system has been pushed back to the brink of collapse, you see. Total collapse. That is what is happening, you see. A small virus surreptitiously comes to the world and the whole world falls flat, you see. Duniya mar gaya. And we have not been able to cope with that which is not visible, you see. That is what the fate of today is. And it is all because of that education which excludes man's cooperation with man for the benefit of man. Kya mazak hai? Hum aapse baat nahi karna chahte, kyunki hum aapke bhale ki baat karna chahte hain. हम आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम आपके भले की बात करना चाहते हैं. जमता है क्या? वेल, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. आई थिंक ऑन दिस टीचर्स डे पर्टिकुलरली आई विल कंक्लूड विद द डॉक्टर राधा कृष्णन्स एंड स्टालिन्स डायलॉग. इसे मुलाकात हुई थी, राधा कृष्ण स्टालिन को मिले थे.
स्टालिन ने कहा बकवास है, ये कोई विश्वास नहीं करते हम, ये तुम्हारा पोंगा पंथी भगवान फलाना ढिगड़ा जगन्नाथ ये वो सब हम नहीं करते। राधा कृष्ण ने कहा करते हो, अच्छा बोलो बताओ क्या तुम नीचे जो तुम्हारे काम करते हैं ऑफिसर्स अगर वो झूठे हों तो तुमको कैसा लगेगा? बोले फांसी पर चढ़ा देंगे, उनको सत्य बोलना चाहिए। अच्छा तो फिर उड़ीसा फिर रूस के लिए आम आदमी का बेड़ा गर्क हो जाए, उसका नाश हो जाए चाहते हो? नहीं नहीं उसका कल्याण चाहते हैं हम तो, सबका शिव चाहते हैं, उनके लिए भलाई चाहते हैं। और रूस अगर कुरूप दिखने लग जाए तो कैसा लगेगा? नहीं हम सबसे सुंदर बनाना चाहते हैं। तो तुम सत्य भी चाहते हो, शिव भी चाहते हो, सुंदर भी चाहते हो, यही तो हम कहते हैं। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता।